और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, भारतीय मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, इसके चलते अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान के तेज होने की संभावना है। उधर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में चक्रवात की वजह से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इस चक्रवात को गुलाब नाम दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान शनिवार और रविवार को 2 दिनों तक सक्रिय रह सकता है। सोमवार को इसके कमजोर होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और आसपास के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बढ़कर डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे अगले 12 घंटे में तेज होकर चक्रवात बनने की संभावना है। इससे 26 सितंबर तक कलिंगपट्टनम के आसपास दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। चक्रवात गुलाब की वजह से पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार से कोलकाता, हावड़ा, दक्षिण और उत्तर 24 परगना के साथ पूर्वी मिदनापुर में भारी बारिश का अनुमान है। कोलकाता पुलिस ने तूफान से निपटने के लिए यूनिफाइड कमांड सेंटर नाम से एक कंट्रोल रूम खोला है। सभी थानों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कोस्टल इलाकों में भी तूफान से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान के कारण ओडिशा में 25 सितंबर और 28 सितंबर को हल्की बारिश के साथ कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 26 और 27 को प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश के कारण 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की मात्रा को रिकॉर्ड किया जा सकता है। डीप डिप्रेशन का आगामी 12 घंटे साइक्लोनिक स्टॉर्म होवार चांसेस रहे थे। अल्टीमेटली 26 तारीख इवनिंग এই সিস্টেমটা উড়িষ্যা অ্যান্ড আন্ধ্রপ্রদেশ এর কোস্টের মাঝখানে ইন বিটুইন যদি বলি আমি বিশাখাপট্টনম অ্যান্ড গোপালপুর আর খুব ক্লোজ টু কালিঙ্গাপট্টনম যাওয়ার চান্সেস রয়েছে। ফলে যদি আমি ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি বলি যে এই সিস্টেমে ডিপ ডিপ্রেশন বা যেটা সাইক্লোনে ইন্টেন্সিফাই করবে আমাদের রাজ্যে কিন্তু ডাইরেক্ট কোনো এফেক্ট নাই, অর্থাৎ 26 তারিখ পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে বড় কোনো ওয়েদার হবে সেরকম চান্সেস নাই। वहीं आपको बता दें, दीघा जैसे कई जगहों पर समुद्री इलाकों में माइकिंग की जा रही है और समुद्र में मछुआरों को भी न जाने की चेतावनी जारी की गई है। इधर नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम ने भी चेतावनी जारी कर कहा है कि जो लोग पुराने मकानों में रह रहे हैं वे लोग थोड़ा सतर्क होकर रहें। आपको बता दें, पिछले हफ्ता हुई 2 दिनों तक लगातार भारी बारिश के कारण अभी भी कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। फिरहाद हकीम ने कहा है जल्द ही इस पर सुधार पा लिया जाएगा। पुरानो बाड़ी नहीं है कोलकाता है चिरकाली आशंका रही है एवं माझे मध्ये ही बाड़ी भेंगे पड़े। আমরা পুরনো বাড়ি বা লো লাইন এলাকার লোকেদের জন্যে আমরা ক্যাম্প খুলে রাখি, যে ক্যাম্পে তারা শিফট করেন আবার তারা ফেরত চলে যান। অনেক কষ্ট করার পরেও কিছু মানুষ আছেন যারা ওই পুরনো বাড়িতে নিজের দখলটা ছাড়তে চান না, তাই তাদের নিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রভাব আছে। আমাকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কারোর সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে বার করার অধিকার আমাকে দেয়।